मंडला के चिलमन चौक से गुजरने वाले लोगों की सुबह आज कुछ खास थी, क्योंकि यहाँ का यातायात ट्रैफिक हवलदार नहीं बल्कि एक रोबोट संभाल रहा था, वो भी बखूबी ढंग से। इसकी खास बात यह है कि इसे मंडला के ही यातायात पुलिस सूबेदार योगेश सिंह राजपूत ने बनाया है, और रोचक बात यह है कि सूबेदार ने इसे घर के कबाड़ से तैयार किया है। हालांकि योगेश सिंह ने कहा है कि रोबोट अभी ट्रायल पर है, इसे पूरी तरह तैयार करने में अभी और समय लगेगा। असल में क्या है कि मेरा इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि जब भी हम कोई नवाचार या कोई नई चीज़ें करते हैं तो लोग उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। जैसा इंदौर में एक रोबोट बना हुआ है जो IIT के इंजीनियर्स ने बनाए हुए हैं, लगभग 30 लाख रुपए की लागत से वो बना हुआ है। तो मैंने भी एक प्रयास किया कि एक रोबोट, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था इस पर, तो मैंने एक रोबोट बनाया जो छोटी मोटी घर की चीज़ों को लेकर और टाइमर्स वगैरह यूज़ करके इसको बनाया है कि ये बिल्कुल उसी जैसे काम करता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है और ये अलग है। लेकिन हमने अभी परीक्षण में देखा कि लोग इसको देखकर अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लोग इसका जो सिग्नल दे रहा है उसको पालन कर रहे हैं। और मंडला जैसे ज़िले में जो एक हम कहेंगे कि बहुत पिछड़ा जिला भी कह सकते हैं, ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर लोग शहर में आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये कि लोग ऐसी चीज़ को देखकर सिग्नल को समझें, सिग्नल का पालन करना सीखें, यातायात नियमों का पालन करना सीखें, और मेरे इस काम से अगर थोड़ा बहुत भी अगर लोग ट्रैफिक के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, नियमों के प्रति अट्रैक्टिव होते, तो ये शायद सफलता रहेगी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।